श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और आईटीबीपी ने सोनप्रयाग में केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सुबह 10 बजे से रोक दिया है। यात्रियों को अब रविवार सुबह 4 बजे केदारनाथ धाम भेजा जाएगा। इसकी जानकारी रुद्रप्रयाग के अंचल अधिकारी प्रमोद कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए जिला प्रशासन हर संभव सावधानी बरत रहा है। केदारनाथ में अब तक 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा धाम में इतनी भीड़ है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक पूरा यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं से भरा है। भीड़ पर नियंत्रण करने को लेकर प्रशासन लगातार मुस्तैद है। बाबा के दरबार में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया है। अब 4 धाम जाने से पहले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। वहीं प्रशासन ने बताया कि जो यात्री बिना रजिस्ट्रेशन कराए आ रहे हैं उन्हें रुद्रप्रयाग में ही रोक दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक 44 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बता दें कि 4 धामों में सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ धाम का है। ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ पैदल ही आना पसंद करते हैं, जिस कारण रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें सांस की समस्या होने लगती है। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। इसके लिए श्रद्धालु हेलीकॉप्टर या खच्चर का सहारा लेते हैं। इधर खच्चर मालिक पैसों की लालच में एक खच्चर को करीब 4-4 फेरे लगवा रहे हैं, जिससे अब तक 100 से अधिक खच्चरों की मौत हो चुकी है। वहीं मरने के बाद खच्चरों को पास के मंदाकिनी नदी में फेंका जा रहा है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।